हरे कृष्णा अध्याय पांचवा श्लोक नंबर 29। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छति। इसका अर्थ, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इसका तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 6.7 भगवान को तम ईश्वरम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समवेष्ट रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भूत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो भगवान कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का
स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावेत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। दोस्तों ये अध्याय पांचवा फिफ्थ चैप्टर का लास्ट श्लोक है, 29th श्लोक, जिसमें भगवान पूर्ण ज्ञान में स्थित क्या है वो बताते हैं, और हमें शांति कैसे मिल सकती है उसका भी रहस्य रिवील करते हैं। जीव का मतलब हम बद्ध जीवात्माओं का सबसे बड़ा जो बंधन है उससे मिलने वाला परिणाम क्या है, भय है ना। हम जितने कर्म करते जाते हैं, जितने आसक्त होते जाते हैं, उतने ही भविष्य में हम भयभीत स्थिति में पहुंचते जाते हैं। आप कितने से कितने बड़े इंसान हो, कोई भी कितना भी छोटा हो, तो भी छोटा हो या बड़ा हो, भवबंधन में फंस कर हम बद्ध जीवात्माएँ निश्चित भय को प्राप्त होती हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पे हमें निर्भय होने का फॉर्मूला बता रहे हैं, कैसे हम निर्भय हो सकते हैं, फियरलेस हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? भगवान कृष्ण को जानकर। क्या? कि वही परम नियंता है और वही हमारे परम हितैषी है, सुप्रीम कंट्रोलर एंड द बेनेवोलेंट। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो धैर्य है, यही हमको निर्भय बनाता है, फियरलेस बनाता है। इस श्लोक पे ना दोस्तों हम पूरा दिन चाहिए तो चर्चा कर सकते हैं, इतना कुछ इसमें बताया है भगवान ने। और श्रीला प्रभुपाद ने भी बहुत बारीकी से हमको छोटे से छोटे शब्दों का मतलब बताया है, मगर मुख्यतः यहाँ पे हम सीखने जाएंगे तो तीन जो ये हैं भगवान ने इस्तेमाल किए हैं इस श्लोक में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और वो सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है हमें जानना, क्योंकि उसी पे हमें शांति, जो जीवात्मा, जो हम बद्ध जीवात्मा अनंत काल से भटक रहे हैं जो पाने के लिए, वो इसमें भगवान ने हमें बताया है। वो तीन जो सेंटर है भगवान का, वो क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। जो भी कुछ भी करता है उसका जो बेनिफिशरी है, भोक्ता है, वो भगवान ही है, हम नहीं हैं। चाहे कोई वो यज्ञ करे या कोई तपस्या करे, किसी भी तरह का तपस्या हो या किसी भी तरह का यज्ञ हो, हमें आहुति में हमेशा लास्ट में और शुरुआत में भगवान का ही नाम लेना होता है ना। तो इसीलिए कर्म भी करते वक्त हम उसे भगवान को ही अगर समर्पित करते हैं, जो कि भगवान ही उसके मूल भोक्ता हैं, तो उसके जो बंधन प्राप्त होते हैं उससे हम धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। ये है पहला फॉर्मूला जो भगवान ने बताया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मतलब सभी तपस्या और यज्ञों का मैं ही भोक्ता हूँ, आई एम द बेनिफिशियरी। तो ये जो दिव्य सेवा है भगवान के तरफ, यही है क्या? हर चीज़ भगवान को अर्पित करना है, कुछ भी करते हैं तो भगवान को अर्पित करके करना है, कृष्ण को समर्पित करके करना है, कृष्ण अर्पणे इसीलिए कहते हैं। और दूसरा जो है वो है सर्वलोक महेश्वरम। चाहे वो ये लोक हो, मतलब ये कितने प्लैनेटरी सिस्टम्स हमने सीखे थे, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं इस सृष्टि में, इससे बढ़कर भी बहुत सारे हैं जो हमारे नॉलेज में अभी तक नहीं है, बहुत सारे रहस्य छुपी हुई है इस ब्रह्मांड में, वो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या हम जहाँ रहते हैं अभी भौतिक क्षेत्र में हो, ये दोनों के भी जो महेश्वर है, भगवान है, ओनर है, रूलर है,
स्वामी है वो और कोई नहीं है बल्कि भगवान कृष्ण है। ये कैसे आप कहोगे, तो थोड़ी सी झलकी अगर बताएं तो जैसे विस्तार, जब सृष्टि का विस्तार होता है तो भगवान से पहले कौन निकलता है, बलराम जी निकलते हैं। फिर बलराम जी से जो निकलते हैं वो चतुर्व्यूह फॉर्म निकलते हैं, वो है वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये जो शंकरशन है इन्हीं से क्या होता है, वैकुंठ लोक में, ये जो एक्सपेंशन है गोलोक से निकलता है, फिर वैकुंठ में शंकरशन जो है गोलोक से जो एक्सपैंड हुए हैं वही नारायण कहलाते हैं वैकुंठ लोक में। फिर नारायण से और एक चतुर्व्यूह निकलती है, वो है वापस वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न करके। फिर वापस शंकरशन से ही जो है वापस सृष्टि का विस्तार होता है। ये होता है महाविष्णु, शिरोदाक्षायी विष्णु और गर्भोदाक्षायी विष्णु, जो पुरुष अवतार हैं और ये जो सृष्टि के नियंता है, जो तीन मेन विष्णुस हैं। ये ऐसे कृष्ण से इन सब के एक्सपेंशंस होते हैं और अवतार फिर ऐसे निकलते हैं। जैसे हम ब्रह्म संहिता में सीखते हैं ना, रामादिमूर्तिषु कलमे नियमेन तिष्ठान, राम आदि जो अवतार हैं ये इधर से ही निकलते हैं, इन विष्णु से ही तत्वों से निकलते हैं, विष्णु तत्व से। जो मूल है वो कृष्ण है, ओरिजिनल भगवान जो है वो कृष्ण है। तो ये शास्त्र में इसका पूर्ण वर्णन है, ब्रह्म संहिता में, फिर ब्रह्म वैवर्ता पुराण में, फिर श्रील रूप गोस्वामी ने भी इस पर बहुत किताबें लिखी हुई है। तो इन सब से हमको प्रमाण मिलता है, भगवद गीता में स्वयं भगवान बोल ही रहे हैं, मगर इसका जो विस्तार अगर हमको सच्चाई जानना है तो इन सब ग्रंथों का हम जब अध्ययन करेंगे तब हमको पूर्णता से यकीन हो जाएगा कि कृष्ण ही परम परमेश्वर है। तो यहाँ पे ये दो हो गया। अब तीसरा जो सीक्रेट फॉर्मूला है शांति का, वो क्या है, सुहृदं सर्वभूतानां, मतलब कोई भी हो, भगवान सबके दोस्त हैं, फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। तो जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है वो किसी में दुश्मनी नहीं देखता, वो किसी में शत्रुता नहीं ये करता, डिवाइड नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, वो सबको अपना मित्र मानता है। क्यों? क्योंकि भगवान सबके मित्र है, सबके दोस्त हैं। सब जीवात्माओं के दोस्त होने पर उसको, जब वो जो बुद्धिमान जीव है वो समझ जाता है कि सभी जीवात्मा, चाहे वो इंसान के शरीर में हो, जानवर के शरीर में हो, या मछली के शरीर में हो, कीट पतंग के शरीर में हो, उन सबको सम्मान देना है, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप से सबके अंदर स्थित है। तो ये थर्ड वाला हमें यही दर्शाता है कि सब के हितैषी है भगवान। कोई भी जो है जीवात्मा इस संसार में वो उनका दोस्त है। अब ये जो फिफ्थ चैप्टर है, पांचवा अध्याय है, ये पूर्णता से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताई गई है कृष्ण कॉन्शियसनेस की, कृष्ण भावनामृत की, कैसे कर्म योग के द्वारा हम मुक्ति पा सकते हैं अगर हम भगवान कृष्ण को अपना सेंटर रखें, लक्ष्य रखें। तो ये कर्म योग है, इसमें कैसे हम कर्म में पूर्ण ज्ञान पा सकते हैं, यही कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें कृष्ण भावनामृत होके करना है, भगवान को सेंटर रखते हुए, यही पूर्ण ज्ञान कहलाता है कि भगवान ही सबके भोक्ता है और भगवान ही सबके स्वामी है, प्रभुत्व उनका ही है, वही परमेश्वर है और वही सुहृद है सब भूतों के। तो ये जो है इसका, ये ज्ञान होने के बाद वो जीव अपने से भगवान को अभिन्न समझकर क्वालिटेटिवली गुण स्वरूप से वो क्या करता है, दिव्य ज्ञान पाता है और डायरेक्ट कृष्ण भक्ति करने लगता है, जो कि ज्ञान योग से होके निकलता है भक्ति योग के तरफ। ये ज्ञान योग ही मदद करती है भक्ति योग में जाने के लिए। और जो जीव का जो पोजीशन है, उसका जो स्तर है, वो क्या है, वो नित्य दास है भगवान का, वो भगवान का अणु आत्मा है। तो इसीलिए
ये जो चीज़ है उसका जो स्तर है, पोजीशन है, वो भूल चुका है। इस वजह से वो क्या कर रहा है, वो सफरिंग दुख झेल रहा है इस भौतिक जगत में, अनायास दुख झेल रहा है, अनंत काल से दुख झेल रहा है, मगर भी वो निकल नहीं पा रहा है। अगर कोई उसे बताता भी है कि कृष्ण उसके परम हितैषी है, वही उसके स्वामी है और उनके संपर्क में आने से ही वो खुश शांति को पा सकता है, तो भी वो नहीं आ पाता। क्यों? माया के वश, क्योंकि वो माया के कॉन्टैक्ट में है। तो इससे जड़ दुनिया में, जड़ भौतिक जगत में रह के ही, मैटर में रह के ही हमारी चेतना जो है, कॉन्शियसनेस है, उसको जब हम कृष्ण कॉन्शियस करते हैं, कृष्ण भावनामृत करते हैं, तभी हम ये जो भौतिक जगत है, भौतिक ज्यूरिसडिक्शन है, उसे निकलकर आध्यात्मिक जगत में अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यही रहते रहते ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थित रहते हैं उसमें। दूसरी चीज़ शीला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान कभी किसी में पार्शलिटी नहीं करते हैं, सुहृदं सर्व भूतानां। और तीसरी चीज़ लास्ट में बताते हैं, अष्टांग योग जो है यही ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस किया जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो एक्सटर्नल एफर्ट न करते हुए डायरेक्ट भक्ति योग में करेंगे, पूर्णता से भगवान की सेवा भक्ति करेंगे, ये डायरेक्ट हमें क्या अवार्ड करता है, शांति सुख समाधान अवार्ड करता है। तो ये सब का जो निचोड़ है, कंक्लूजन है, यही है कि भक्ति योग सबसे सरल उपाय है यहाँ से निकलने का और भगवान को प्राप्त करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दोस्तों, हमने कल अध्याय 5वां कंप्लीट कर लिया है, कर्म योग, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। तो ये जो है ये उसी के बारे में है, समरी है इसका अध्याय 5 का। तो अभी भगवद गीता में भगवान ने 5 मुख्य जो चीज़ है उस पर रोशनी डाली है, वो है परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, कर्म और काल, है ना। तो जो ये 5ों में जो 4 है वो कभी बदल नहीं सकता, वो है परमात्मा, आत्मा, प्रकृति और काल। जो बदल सकता है, जो हम बदल सकते हैं, वो है कर्म। ये सिर्फ हम बदल सकते हैं, ये पॉसिबल है, हम हमारे हाथ में है, बाकी सब शाश्वत है। तो ये जो है ये अनित्य है, ये इसको हम बदल सकते हैं कर्म को। तो जैसे बद्ध जीव की यात्रा कहते हैं, है ना, जीवन काल में उसकी यात्रा होती है और उसका जो गंतव्य होता है वो किसी ना किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है। उस बीच में जीव जो है हमेशा फंसते आ चला है, हम बद्ध जीव जो है फंसते आ चले हैं। तो उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, परम गंतव्य है, वो तो कृष्ण प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति है। तो कर्म जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा रोशनी दी है भगवान ने इस अध्याय 5वें में। जो कर्म हम भगवान के द्वारा कर सकते हैं, मतलब कृष्ण भावनामृत होकर कर सकते हैं, तो एक कदम उठाने की यहाँ पे ज़रूरत है, एक सही दिशा के तरफ चलने की ज़रूरत है। तो कदम हम गलत भी उठा सकते हैं गलत दिशा पे जाने के लिए, या और फंसते जा सकते हैं, बद हो जा सकते हैं, या फिर कदम सही दिशा पर चलकर अपना कर्म सुधार कर मुक्त होकर जा सकते हैं। तो ये इच्छा जो है, चॉइस है, वो हम बद जीवाओं पे है कि हम कैसे इच्छा करते हैं, गलत करते हैं या सही करते हैं। तो ये जो स्व इच्छा है वो हमारी है, यही सिर्फ केवल इस भौतिक जगत में हमारी है। तो यहाँ पर हम इन 5वें चैप्टर को 4 विभाजन में इसको डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो पहला जो श्लोक है उसे 12वें श्लोक तक जो है, इसको हम यहाँ से ऐसे ले सकते हैं कि भगवान अर्जुन जो बहुत ही उलझन में थे कि कर्म सबसे श्रेष्ठ है या त्याग सबसे श्रेष्ठ है, या फिर वो सोच रहे थे कि दोनों ही बहुत मुख्य है करने के लिए, यही हमें करना चाहिए। तो भगवान उसकी कन्फ्यूजन जो है, उलझन है, उसको सुलझाते हुए बताते हैं
है कि जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है वही ऑटोमेटिकली त्याग कहलाता है, रिनाउंसिएशन कहलाता है। तो उसको कुछ सेपरेट कर्म या फिर सेपरेट त्याग या रिनाउंसिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो कृष्ण भावनामृत कर्म करता है कृष्ण को सेंटर रखते हुए, वही त्याग है। तो यहाँ पे भगवान हर कुछ जो कार्य करते हैं उसको कृष्ण को समर्पित करते हुए करने के लिए कहते हैं, है ना, जो भी कार्य करें। तो दूसरी है कर्ता, तीन तरह के कर्ता हैं, वो है हम जीव आत्मा, परमात्मा और ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति। तो श्लोक 13 से लेके 16वें श्लोक तक भगवान हमें बताते हैं कि भगवान सबसे बड़े हैं, वही परम नियंता है और वही परम हितैषी है। उनके नियंत्रण में ही सब कुछ चलता है, चाहे वो जीव हो या भौतिक प्रकृति। जीव जो है ये क्या है, सुपीरियर एनर्जी है, भगवान का परा शक्ति है। और ये जो मटेरियल नेचर है ये भगवान की अपरा शक्ति है, इन्फीरियर एनर्जी है। मगर जीव जो है धोखे में अपने एन्जॉय करने की प्रोपेंसिटी लेकर आता है, इंद्रिय तृप्ति में फंस जाता है, माया के चंगुल में फंस जाता है, अपनी सुख सुविधाएं अपने स्वाद के लिए करने लगता है। तो जो सुपीरियर एनर्जी है माने हम जीवात्माएं, इस इन्फीरियर एनर्जी माया में फंस कर, भौतिक प्रकृति में फंस कर यहाँ पे दुख का भोगता उसको बनना पड़ता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो भगवान के समक्ष नहीं आता है, उनके संबंध में नहीं आता है। तो इधर इन श्लोकों के द्वारा भगवान ने हमें बताया है कि भगवान ही सबके परमेश्वर हैं, वही परब्रह्म है। तो जब जीव उनके संपर्क में आता है भौतिक प्रकृति को छोड़कर, तब वो हर तरह से खुश हो जाता है क्योंकि वो भगवान का पराशक्ति है। तो इस श्लोक में ये दिया गया है। और फिर श्लोक 17 से लेकर 26 तक समभाव रखने के लिए कहा है, इक्वल विजन रखने के लिए कहा है, सब जीवात्माओं के तरफ समभाव रखने के लिए कहा है, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। ये जो दुनिया में बहुत तरह की जो दोष देखे जा रहे हैं, इतनी कुछ विडंबनाएं हैं, इतना कुछ गलत सलत हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम समदृश्य नहीं बन रहे हैं। हम सबको भगवान का हम सब मतलब सब भगवान के ही है ये नहीं समझ रहे हैं। हम सब में अलग अलग डिफरेंसेस देख रहे हैं, डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं। तो इसमें भगवान यही बताते हैं कि क्वालिटेटिवली गुण स्वरूप से हम सब एक ही है, भगवान के क्या है, अणुआत्मा है। मगर क्वांटिटेटिवली हम अलग है, मतलब भगवान विभु हैं, बड़े हैं और हम छोटे हैं, अणुआत्मा हैं। मगर हम भगवान की पराशक्ति है, हम अपराशक्ति में फंसने के कारण भूल गए हैं ये। तो ये समभाव जब हम सब जीवात्माओं के तरफ करते हैं तो ये दृष्टिकोण से हम उस स्तर पर आते हैं, कहाँ पे, ब्रह्म निर्वाण आत्म साक्षात्कार के स्टेज पर आ जाते हैं। तो इन श्लोकों में भगवान ने ये हमें बताया है। और लास्ट जो चौथा डिवीज़न है, वो जो लास्ट श्लोक हमने कल पढ़ा था, 29th श्लोक, वो है शांति, पीस के बारे में। तो इसमें भगवान पूर्णता से हमको बताते हैं कि कैसे निरंतर हम अनित्य प्रकृति में रहकर, इस भौतिक जगत में रहकर फंस गए हैं और शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जब हम आए थे तभी भी हमारे पास कुछ नहीं था और जब हम जाएंगे तभी भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो बीच में क्या रह गया है, हम क्या कर रहे हैं, हम सब पे प्रभुत्व, मतलब प्रोप्राइटरशिप, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे जो शरीर के जो संबंधी है ये मेरे हैं, मेरा मेरा के चक्कर में, प्रभुत्व के चक्कर में हम देह को अपना मान बैठे हैं, इसमें आसक्त हो चुके हैं हर एक वस्तुओं में। और यही मूल कारण है हमारे समस्त दुखों का।
और ये हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रही है, बहुत दर्द देती है ये चीज़। तो इसीलिए ये इतनी एक्सटेंड तक जाती है कि हम राग द्वेष तक निकल जाते हैं। तो इसी बीच हमको ये समझना है कि हमसे इनसे अनासक्त होकर क्या होना है, प्रभु में, कृष्ण में आसक्त होना है। ये हमको पता लगना है, हमको समझना है कि भगवान ही सबके प्रभु हैं, उन पे ही सबका प्रभुत्व है और हम तो सिर्फ इसके केयर टेकर हैं, हम तो सिर्फ ख्याल रख रहे हैं इन सब चीज़ों का, कि ये सब भगवान का दिया हुआ है। ये जब हम इस स्तर पर आते हैं तब हम शांति पाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आती है और हम निर्भय बन जाते हैं कि सब कुछ भगवान का है और मैं सिर्फ उसका रखवाला हूँ। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, यहाँ पे बताया गया है, जब ये हम करने लगेंगे अपना प्रभुत्व छोड़कर भगवान को ही सबका प्रभुत्व मानेंगे, सबके भगवान ही नियंता है ये जब जानेंगे, तब हम अल्टीमेट सुख मतलब शांति को प्राप्त करेंगे। और एक एक जीवात्मा जब ये समझेगा तो यही क्या होगा, यही लीड करेगा ग्लोबल पीस के लिए, परम शांति के तरफ। हर जीवात्मा सुख शांति से रह पाएगा, वो रहित हो जाएगा। किससे रहित हो जाएगा? आसक्ति से रहित हो जाएगा, मोह से रहित हो जाएगा, काम से रहित हो जाएगा, द्वेष से रहित हो जाएगा, जो सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं। हाँ दोस्तों, बाकी कोई दुश्मन नहीं है हमारा इस संसार में, यही चीज़ है जो जीव का असली दुश्मन है, आसक्ति मोह द्वेष राग, यही है असली दुश्मन। तो अगर सुख शांति चाहते हैं दुनिया में तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को शांत करना पड़ेगा। कैसे? भगवान के संबंध में आके, कृष्ण के संबंध में आके। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस चैप्टर का, कि एक आदर्श व्यक्ति बनना है हमको, ना कि सफल व्यक्ति बनना है। जब हम आदर्श व्यक्ति बनेंगे तो हम खुद भी खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे और सबको खुशी देकर परमात्मा जो सबके मन में अंदर बैठे हैं अंतरात्मा में, वो भी सबसे खुश रहेंगे और अपने गंतव्य, परम जो गंतव्य है, उस तक हम बहुत स्मूथली सरलता से पहुंच जाएंगे। क्या है वो? है भगवान का धाम, नित्य धाम में हमें प्रवेश मिलेगा। तो ये कर्म योग के द्वारा भगवान हमें ऐसे समझाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।